आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आप सब लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये कहूँ हमारी पृथ्वी की तरह एक और पृथ्वी है और जिस तरह हमारा एक संसार है उसी तरह एक और संसार भी बना हुआ है। आप सब लोग कहेंगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी का जवाब आज मैं आप सबको देने जा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मल्टीवर्स एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में पता लगा पाना किसी के भी बस के बाहर है। एक ऐसी जगह जो हमारे ही ब्रह्मांड से मेल खाती हो, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड जिन पर रिसर्च आज भी जारी है। पर क्या आपको पता है इसी मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो कि सच में हैरान करने वाली बात है। यह तब की बात है जब भगवान ब्रह्मा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पृथ्वी लोक पर आए थे। तभी भगवान ब्रह्मा ने द्वारपाल से कहा, जाओ श्री कृष्ण से जाकर कहो उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल ने बिल्कुल ऐसा किया, उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा आपसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। तब श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा, जाओ उनसे जाकर यह पूछो कि वे कौन से ब्रह्मा हैं। यही सवाल द्वारपाल ने जाकर ब्रह्मा से कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, क्या मेरे अलावा भी और भी कोई ब्रह्मा है? तभी श्री कृष्ण जी ने अपनी योग माया के द्वारा वहाँ अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को बुला लिया, जिसमें हर ब्रह्मा एक दूसरे से अलग थे। उनके द्वारा अलग अलग संसार बनाए गए थे और वे इन संसारों के रचयिता थे। उन्हीं ब्रह्माओं में कईयों के 10 सिर थे तो कईयों के 100 और कईयों के तो 1000 सिर तक थे। हर ब्रह्मा एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली थे। ये सब देखने के बाद हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के चरणों में आ गिरे। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है जिनको इन्हीं ब्रह्माओं द्वारा बनाया गया है। श्रीमद् भगवत पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। 10वें स्कंद और अध्याय 14 में ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे स्वामी प्रकृति महातत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप अवर्णों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम से ऐसे ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणें रच के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी श्लोक में विष्णु भगवान द्वारा बनाए गए अनंत ब्रह्मांडों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें ब्रह्मा जी यह बता रहे हैं कि खिड़की से आने वाली सूर्य की किरणों में जिस प्रकार मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा अनंत ब्रह्मांड भी विस्तारवान है। इसमें अनंत ब्रह्मांड वही शब्द है जो मल्टीवर्स से रिलेट करता है। यह श्लोक ऐसे ही कई ब्रह्मांडों के होने के बारे में बताता है। ऐसा कहना कि जिस संसार या धरती पर हम रहते हैं वही वास्तविक है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी ही अनेकों धरतियां अंतरिक्ष में मौजूद हो सकती हैं, जिन्हें शायद ही हम कभी ढूंढ पाए। इन सब अनंत ब्रह्मांडों को ब्रह्मा द्वारा ही बनाया गया है। मल्टीवर्स की थ्योरी यही बताती है कि ऐसी कई यूनिवर्स हो सकती हैं जिसमें हमारी यूनिवर्स भी एक हो। यहाँ तक कि यह तक हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे ही कई सोलर सिस्टम भी हो और उसी सोलर सिस्टम में हमारे जैसे ही हूबहू एक और धरती हो जहाँ हमारे जैसे ही लोग रहते हो। जिससे एक और चीज का पता चलता है कि हमारे जैसे ही कई और धरतियों पर भी जीवन हो सकता है। साइंस में बिल्कुल ऐसी ही एक थ्योरी है जिसे पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी कहा जाता है, जिसके अनुसार एक ही समय पर कई ब्रह्मांड हो सकते हैं जिन सब के अलग अलग भौतिक नियम भी हों। यह थ्योरी इस बात को दर्शाती है कि हमारी धरती भी किसी ब्रह्मांड का केवल एक हिस्सा मात्र हो और ऐसे ही अनंत विस्तार वाले ब्रह्मांड अस्तित्व में हो। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी जरूर से जाकर देखें। विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब ब्रह्मा अपने द्वारा बनाई गई एक धरती को नष्ट कर देते हैं। इसमें ब्रह्मा जी के 100 वर्ष 311 खरब इंसानी वर्षों के बराबर होता है और इसके बाद यही धरती बनाने की प्रक्रिया दोबारा होती है, जिसमें ब्रह्मा जी दोबारा एक और धरती को बनाते हैं और 100 वर्षों के बाद उसे नष्ट कर देते हैं। यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। फिर से विष्णु भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं और फिर से धरती का निर्माण करते हैं। इसी कारण से कई ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं। इसे कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे श्लोक में बताया गया है कि धूल के कण किस प्रकार इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये जो चित्र आप अभी देख रहे हैं ये भगवान विष्णु का है। इसे देखकर आप ये साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर धूल के कण किसे कहा गया है। ये जो बुलबुले इधर उधर बिखरे हुए हैं यही बुलबुले और कुछ नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडों को दर्शाता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं यहाँ अनगिनत ब्रह्मांड हैं और यही ब्रह्मांड अलग अलग रूप से कार्यगत भी है। विष्णु भगवान संसार के पालन करता है और उन्हीं द्वारा इन अलग अलग ब्रह्मांडों का पालन किया जाता है, जो कि मैंने आपको अपनी कई पिछली वीडियोस में बताया है। श्लोक में जिन धूल के कणों की बात की गई है वह और कुछ नहीं बल्कि वह ब्रह्मांड है जो विष्णु भगवान द्वारा ही बनाए गए हैं। यही धूल के कण अलग अलग जगह फैले हुए हैं
मतलब अलग अलग जगह विस्तारवान है। उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी कई प्रकार के ग्रह अथवा तारे हैं जो कि इधर उधर फैले हुए हैं, और ऐसी कई जगह हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है या फिर जिन तक पहुंच पाना ही असंभव है। पर हमें एक चीज में जरूर विश्वास रखना चाहिए कि ये संसार भगवान द्वारा ही बनाया गया है और हमारे ही धर्म ग्रंथ इसका प्रमाण भी देते हैं। ऐसा ही एक और श्लोक है जो संसार के अस्तित्व में आने तक को दर्शाता है। मैं आपको इस श्लोक को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका अर्थ मैं आपको अभी बताता हूँ। श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोक प्रलय कालीन जल में लीन थे, उसी समय श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब इसी श्लोक में जिस जल की बात की गई है, वही जल अंतरिक्ष में कहीं मौजूद है और इसी के ऊपर नासा की रिसर्च आज भी जारी है, और इसी जल का स्रोत होने का दावा नासा खुद करता है। तो इससे ये तो साबित हो ही जाता है कि जिन चीजों को आज हमारा विज्ञान ढूंढ रहा है, वह सब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखे हुए हैं। इस श्लोक में प्रलय कालीन जल में लीन उस समय को दर्शा रहा है जब पूरा संसार जल में लीन था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिस वक्त संसार पूरा तरह से शून्य था, किसी भी चीज का नामो निशान तक नहीं था, और उसी समय इस संसार की रचना हुई और वह रचना भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई और भगवान विष्णु उस रचना के स्रोत थे। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु अनेक अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, जो यही दर्शाता है कि इसी प्रकार कई धरतियां या संसार हो सकते हैं जिन तक हम शायद कभी पहुंच ही ना पाए, और क्या पता अगर हम पहुंच भी जाए तो। इस सब में सोचने की बात तो ये भी है, जिस जल की बात की गई है वह सच में स्पेस में मौजूद है और उसी जगह तक आज तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। इसमें सोचने की बात तो ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी धर्म ग्रंथ में इसके बारे में लिखा हो। इससे यही साबित होता है कि हमारा विज्ञान आज भी कई जगह पीछे है, क्योंकि जिन चीजों को आज हम विज्ञान द्वारा ढूंढ रहे हैं वे शायद पहले से ही हम सब ने ढूंढ रखी है, और भगवान के होने के सबूत मांगने वालों के लिए ये एक अच्छा जवाब है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये संसार अपने आप बन गया हो, या फिर इसमें जो भी प्रक्रिया हो रही है वह सब अपने आप ही हो रही है। इनके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर है, और उसी हाथ को हम भगवान कहते हैं। हर चीज का होने का कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होता है, और इसी संसार के होने का कारण भगवान ही है। भगवान ने ही इस संसार को बनाया है ताकि सभी जीव यहाँ मिलजुल कर रह सके। तो इसीलिए हमें अपने मार्ग को नहीं भूलना चाहिए, और वह मार्ग है भगवान तक पहुँचना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको पता ही होगा आपको क्या करना है। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, और ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट दिखाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।